बिस्मिल्लाह पढ़े जी मैम मेरी तरफ एज़ अ वाइस चांसलर SBK वुमेन यूनिवर्सिटी मैं आप सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि मीडिया एंड जर्नलिज़म डिपार्टमेंट, उनकी हेड, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उन्होंने ये स्टूडियो आज के दिन, तारीख़ी दिन है आप सबके लिए कि आपने इसको फंक्शनल किया। आप SBK की तारीख़ रकम कर रहे हैं और इसमें मुझे ये एज़ाज़ हासिल है एज़ वाइस चांसलर कि मैं यहाँ आई, आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आपकी काम को अप्रिशिएट कर पाऊँ। पहले कहा यह जाता था कि जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं वो नहीं सिखाई जाती, लेकिन आप सब के काम को देख के मैं ये मुझे बहुत फ्यूचर बड़ा ब्राइट लग रहा है कि हमारे बच्चे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख रहे हैं। I can go way back to those days when I was a registrar and the Department of Media and Journalism started as well as the Department of Psychology with one room. It was in the old cottage. I still remember that. And I'm happy to see that with the passage of time they have excelled so much and they have come to build this studio with the latest technological equipments for our students. I am feeling privileged and I am feeling proud कि कम resources के अंदर इस तरह का एक international सेटअप के मुताबिक जो है आपने, क्योंकि आजकल का इरा जो है वो डिजिटल इरा है और डिजिटल इरा में हमारी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं इट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वेंशनल मेथड्स टू द मॉडर्न मेथड्स। तो यहाँ पे जो है हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो इस रूम में आके अपने एंड्रागोजिकल जो उनके स्किल्स हैं वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड एंड I'm full of prayers for my team, my friends, my colleagues on this wonderful achievement and endeavor of theirs. So, mashallah, this is yet another milestone achieved by my wonderful colleagues at Media and Journalism. मतलब एक फीलिंग आई है एक प्रोफेशनलिज्म की, एक वंडरफुल अचीवमेंट की। द मोमेंट आई एंटर्ड द स्टूडियो एंड द लाइट्स एंड cameras and the equipment and the professionalism they are showing. So I'm very happy on their wonderful achievement, and indeed it's an achievement for the university in itself.